धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे आज शून्यकाल में बोलने का मौका दिया। हमारे महाराष्ट्र राज्य में, उत्तर महाराष्ट्र में लेवा पाटीदार समाज ये बहुसंख्यक लोग रहते हैं और ये ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं, राज्य सरकार में भी और केंद्र सरकार में भी। जो उनको सर्टिफिकेट, वहाँ के बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट जो भी इशू हुए वो स्पेलिंग LEVA लेवा पाटीदार से हुए, लेकिन केंद्र सरकार में जो फॉर्म नंबर 9 है उसमें LEWA लिखा गया है, जिसके कारण वहाँ के सभी बच्चों को केंद्र सरकार की सभी एजुकेशन संस्थाओं से उन्हें वंचित रहना पड़ रहा है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी विषय बहुत गंभीर है जो माननीय सदस्य ने उठाया है, इस पर चिंता करना चाहिए आपको। ये स्पेलिंग डिफर होने के कारण सरकार को ध्यान देना, बच्चों को इससे वंचित रहना पड़ रहा है। तो मैं सदन के माध्यम से सरकार से विनती करती हूँ कि इसका जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाला जाए, जिसके कारण बच्चों को इन सभी योजनाओं का लाभ लेते आएगा। धन्यवाद।